हेलो फ्रेंड्स, लगातार रतन पावर इंडिया के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। यदि रिजल्ट्स की बात देखें तो रिजल्ट्स की बात तो लगातार यहां पे गिरावट देखने को मिली है। यदि आप 5 डे के चार्ट पैटर्न में देखें तो आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा जो यहां पे शेप फॉल यहां पे देखने को मिला है, सार्व फॉल। तो आप यदि देखें तो लगातार यहां पे लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिले हैं। अब इस समय 4.20 रुपये पे आज के दिन लोअर सर्किट में तो बंद हुआ ही हुआ है। साथ साथ यदि आप 1 मंथ का एक बार चार्ट पैटर्न चेक करें तो बहुत बड़ी गिरावट है। 6 मंथ के भी चार्ट पैटर्न में वही गिरावट यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। जो इसमें तेजी यहां पे 2022 के पहले आई थी, दिसंबर एंड नवंबर में जो तेजी आई थी वो अभी यहां पे थोड़ी हल्की होने को दिखी थी। देन फिर दोबारा यहां पे दो बार बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें हो चुकी हैं, क्योंकि इस शेयर का जो प्राइस था वो यहां पे 9 रुपए के इर्द गिर्द चल रहा था। देन यदि आप इस समय देखें तो 4.20 रुपए पे जाने को दिखा है। तो बहुत बड़ी गिरावट है रतन पावर इंडिया में निकल के आए। उसके साथ आप सभी लोगों के बीच जो न्यूज यहां पे सामने निकल के आ रही है वो तो हम यहां पे बात कर ही लेंगे। फर्स्ट यहां पे हम फॉरम सेंटीमीटर की यदि एक बार स्थिति चेक करें तो 72% लोग इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी की अभी सलाह दे रहे हैं। ओनली 17% लोग हैं, 17% लोग यहाँ पर सेलिंग की बता रहे हैं। बकाया 11% लोग हैं जो यहाँ पर होल्डिंग की बोल रहे हैं कि आप होल्ड यहाँ पर कर सकते हैं। उसी के साथ यदि आप यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस देखें तो जो 3 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर रहा करता था 1 वीक के एवरेज में, अभी वो यहाँ पर ओनली 2 करोड़ का वॉल्यूम जाते हुए देखने को मिला है। लेकिन आप यदि डिलीवरी देखें तो डिलीवरी परसेंटेज वाइज यहाँ पर बहुत बड़ी रहने वाली है। 63% की डिलीवरी यहाँ पर अभी हो चुकी है। बट यदि क्वांटिटी वाइज डिलीवरी देखें तो 1 मंथ के एवरेज में जो 100 लाख की डिलीवरी यहां पे आती थी वो आपको 1 वीक के एवरेज में 2 करोड़ की डिलीवरी बनते हुए देखने को मिली है। तो लगातार डिलीवरी बेसिस पे काफी बड़ा इजाफा यहां पे देखने को मिल रहा है। एंड आने वाले समय में हो सकता है कभी भी अपना रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि यहां पे स्टडी कल के दिन देखें तो यहां पे 1 करोड़ की डिलीवरी उठा ली गई। तो एक बड़ी डिलीवरी के साथ ये शेयर इस समय चल रहा है, बड़ी बड़ी डिलीवरियां यहां पे उठते हुए देखने को मिल रही है। उसके साथ यदि हम बात करें इसमें बल्क डीलिंग की तो 29 मार्च को यहां पे बल्क डीलिंग हुई थी एंड 5.74 रुपए पे यहां पे शेयर खरीदा गया था। 29 मार्च की यहां पे डेट रहने वाली है। यदि आप देखें तो ये कंपनी आरआर इंफ्रा लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा 5.74 रुपए पे बहुत बड़ी क्वांटिटी यहां पे बाई की गई थी। यदि आप क्वांटिटी चेक करें तो वो यहां पे टोटल रहने वाली है 9,16,67,710 की क्वांटिटी 5.74 रुपए पे खरीदी जा चुकी है डीआई के द्वारा। यहां पे रतन पावर इंटरप्राइजेस के द्वारा माल बेचा गया था सेम, इससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी यदि बात करें ये क्वांटिटी की तो यहां पे 9,15,41,393 की क्वांटिटी यहां पे रहने वाली है। तो लगभग इतनी क्वांटिटी रतन इंडिया इंटरप्राइजेस के द्वारा बेची गई, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा इतनी बड़ी माल यहां पे बेची गई। एंड जो यहां पे खरीदा गया वो यहां पे आरआर इंफ्रा लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा खरीदा गया था 5.74 रुपए पे। ये पूरी ट्रेडिंग यहां पे हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी खुद ही अपना माल यहां पे बेच रही है प्राइवेट लोगों को, तो यहां पे बेचा गया था। तो वो मैंने आपको यहां पे न्यूज़ बतानी सही समझी थी तो मैंने आपको यहां पे बता दी। बकाया आपका क्या सोचना है इसके बारे में आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, वो मैंने आपको यहां पे पहले ही बता दिया। 31 मार्च को भी इनके द्वारा यहां पे बिकवाली की गई कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा। एंड उसके पहले की यदि बात करें तो 30 मार्च को भी यहां पे बिकवाली की गई थी। उसके बाद यहां पे आरआर इंफ्रा लैंड्स के द्वारा लगातार माल खरीदा जा रहा है, यहां पे भी खरीदा गया था। तो ये कुछ न्यूज़ मार्केट में निकल के आई थी। एंड यदि आप देखें तो रतन पावर इंडिया के द्वारा जिस समय बिकवाली की गई है उसी समय से लगातार शेयर का प्राइस यहां पे फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स इसमें कब फिर से अपनी यहां पे पोजीशन रिकवर करेंगे ऐसा आने वाले समय में जब भी पता चलेगा आपको यहां पे बता दिया जाएगा। उसके साथ आप यहां चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ऑल पे, क्योंकि जैसे ही कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए तो वो आपके पास सबसे पहले आ जाए। यदि लेटेस्ट रिजल्ट्स की बात करें तो 2022 मार्च 2022 के Q4 के रिजल्ट्स में 306 करोड़ का लॉसेस लगे हैं कंपनी को। 386 करोड़ के लॉसेस कंपनी के पहले भी Q3 में रह चुके हैं। तो लॉसेस यहां पे कंटिन्यू रहने वाले, बट यहां पे लॉसेस में कमी है। यहां पे बोले तो 80 करोड़ की यहां पे कमी की गई है लॉसेस में। तो जो यहां पे छोटी सी पॉजिटिविटी बना के जरूर देख सकती है बट उतनी बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है, क्योंकि कंपनी को लॉसेस ही यहां पे कंटिन्यू में होते हुए देखने को मिले। यदि शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल यहां पे सेम रहने वाली है। फर्स्ट यहां पे हम रेवेन्यू एंड सरप्लस की बात करें, कंपनी को जो रेवेन्यू एंड सरप्लस में घाटा था 5,995 करोड़ का, वो इस समय 8,031 करोड़ का घाटा देखने को मिला है। उसी के साथ यदि आप एक बार फिक्स एसेट पर नजर डालें तो 15,569 करोड़ के जो फिक्स एसेट कंपनी के रहा करते थे वो इस समय ओनली 14,523 करोड़ के बचे हैं। तो फिक्स एसेट में भी यहाँ पे गिरावट है। करेंट एसेट में यदि देखें तो थोड़ी सी बढ़त जरूर है, 100 करोड़ की यहाँ पे करेंट एसेट में बढ़त सामने नजर आ रही है। उसी के साथ
इस समय यदि ईपीएस चेक करें, अर्निंग पर शेयर क्या रहने वाला है, तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर मार्च में नेगेटिव में था, मतलब कंपनी का अर्निंग पर लॉस, कंपनी को यहाँ पे लॉसेस था पर शेयर पे 1.88 रुपये का, वो इस समय आप यदि देखें तो 3.69 रुपये का लॉस कंपनी को पर शेयर में लग रहा है। तो बहुत बड़ी नेगेटिविटी यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। एंड यदि बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की जो बुक वैल्यू इस समय निकल के आ रही है वो लगभग 5 रुपये नेगेटिव में पहुँच गई है। कंपनी को पर शेयर पे यहाँ पे बुक वैल्यू यदि देखें तो 5 रुपये का लॉस कंपनी को इस समय लग रहा है। तो बहुत बड़ी नेगेटिविटी यहाँ से तो सामने निकल के आ ही आ रही है। यदि आप देखें तो शेयर का प्राइस भी काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पे गिरावट के मोड में है, एंड अभी भी गिरावट इसमें स्टार्ट है, गिरावट अभी भी यहाँ पे चल रही है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की फेस वैल्यू के साथ यहाँ पे रहने वाला है। डिविडेंड यहाँ पे अभी इस समय कुछ भी नहीं दिया गया, तो डिविडेंड आप यहाँ पे 0-0 ईजिली देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि एक बार यहाँ पे बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस समय होल्डिंग है वो अभी भी यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 44% के अराउंड की यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है। पब्लिक की यदि बात करें तो 42% की होल्डिंग यहाँ पे समझ में आ रही है। DII 13.42% है। FIIs की बात करें तो 0.21% की होल्डिंग FIIs की है। बकाया यदि आप देखें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग का 88% से ऊपर का माल यहाँ पे प्लेस कर रखा है, जिसके फलस्वरूप इन्हें अपनी इंटरेस्ट पे करनी होती है। इंटरेस्ट ये देते हैं, इंटरेस्ट के कारण इन्हें लॉसेज भी कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यदि आप यहाँ पे इंटरेस्ट देखें तो लगातार कंपनी जो अपने इंटरेस्ट पे कर रही है वो 500 करोड़ के ऊपर है, जिस कारण से कंपनी की बैलेंस शीट्स बहुत ही दिक्कत में है, यहाँ पे लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। यदि ये इंटरेस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट में जरूर यहाँ पे यदि कमी आए, कंपनी जो लोन ले रखी है, कंपनी जो प्लेजिंग कर रखी है, यदि उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आए तो ये आपको जो लॉसेस हैं, जो मतलब जो नेट प्रॉफिट में जो नेट लॉसेस निकल के आए, वो जरूर यहाँ पे 200 करोड़ के प्रॉफिट में बनते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना यहाँ पे नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण है, वो आप भी यहाँ पे समझ रहे होंगे। यदि ये इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं होते, इस कारण से यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते। कंपनी ने काफ़ी सारा यहाँ पे लोन उठा रखा है, जिसके फलस्वरूप कंपनी को यहाँ पे इंटरेस्ट पे करने ही पड़ते। यदि आप FIIs का डाटा देखें तो FIIs ने लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया है, 0.04% का स्टेक यहाँ पे ग्रोथ की है, क्योंकि इनके पास 0.17% का स्टेक रहा करता था, इस समय 0.21% का स्टेक पहुँच चुका है। DIs की बात करें, DIs ने छोटा सा स्टेक यहाँ पे कम जरूर किया है। आप यदि देखें तो जो यहाँ पे कमी आई है DIs के स्टेक में, वो यहाँ पे लगभग बोल सकते हैं 1% की कमी आई है। पब्लिक की यदि बात करें तो पब्लिक यहाँ पे एडजस्टमेंट करती हुई देखी गई है, पब्लिक ने यहाँ पे छोटा सा स्टेक बढ़ाया। अदर्स की बात करें तो अदर्स के पास अभी कुछ भी स्टेक नहीं है, अदर्स के पास 0.01% का स्टेक रहा करता था, देने आप यदि इस समय देखें तो 0%, मतलब अदर्स यहाँ पे पूरी तरह से बाहर निकलने को दिखे हैं। तो अदर्स के द्वारा यहाँ पे पूरी तरह से बाहर निकल जाना भी इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं, अदर्स का मतलब यहाँ पे बैंक इंस्टीट्यूशन ही है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं बैंक इंस्टीट्यूशन। उसी के साथ यदि एक बार रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2022 में बहुत तेजी से जंप किया है, लेकिन रेवेन्यू का जंप कर जाना यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दे पाया। प्रॉफिट की यदि बात करें तो कंपनी को यहाँ पे लॉसेस कंटिन्यू देखने को मिले हैं। 2021 में जो लॉसेस 941 करोड़ के थे, वो इस समय 1981 करोड़ के बनते हुए देखने को मिले हैं। तो लगातार कंपनी को लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। ईपीएस भी देखें, 1.88 रुपये नेगेटिव में था, देन इस समय देखें तो 3.69 रुपये नेगेटिव में पहुंच गया। उसके साथ यदि आपको हमारे चैनल की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, यहाँ पे बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।